बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बच्चों के लिए आज आपको एक ख़ास टिप बताने जा रही हूँ, जिसको आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपके बच्चों का पेट दर्द, बदहजमी या पेट में मरोड़ होना, इंशाल्लाह ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप बच्चों को सिरप नहीं पिला सकती हैं, या आपके बच्चे सिरप पीने से उल्टी कर देते हैं, या आपके पास घर में अर्क वक्ती तौर पर मौजूद नहीं है, तो आप इस टिप को लाजमी तैयार करें और फिर इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस टिप के इस्तेमाल से आपके बच्चों के पेट दर्द, बदहजमी, मरोड़ जैसी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप घरेलू टोटके इस्तेमाल करेंगे बच्चों को पिलाने के लिए, या बच्चों की सेहत को ठीक रखने के लिए, बच्चों का पेट ठीक रखने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा मौसर तरीका है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अक्सर शेरखवार बच्चे जो होते हैं, उनके पेट में दर्द होता है, मरोड़ सा होता है, या उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, या पेट में गैस हो जाती है, तो बच्चा रो रहा होता है, आपको समझ नहीं आती कि आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। तो आपने करना ये है कि एक चम्मच सौंफ ले लेंगे और एक चम्मच आपने खुश्क पुदीना लेना है। इन दोनों अज़ा को आपने एक गिलास पानी में 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप बच्चे को चम्मच से पिलाना चाहते हैं तो चम्मच से पिला सकते हैं, अगर आप फीडर से उसको पिलाना चाहते हैं तो फीडर से भी पिला सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक चम्मच सौंफ ले लेंगे और एक चम्मच आपने खुश्क पुदीना लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको पनसाद की दुकान से भी मिल सकते हैं और अक्सर घर में भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने बच्चों को ठीक रखने के लिए, बच्चों का पेट ठीक रखने के लिए, उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, बदहजमी से बचाने के लिए, गैस जैसे कब्ज़ जैसी शिकायत से बचाने के लिए इस टिप को इस्तेमाल करेंगे। गर्मी और सर्दियों दोनों मौसमों के लिए ये बेहतरीन टोटका है। जब आप इसका कहवा तैयार कर लेंगे या इसका पानी तैयार कर लेंगे उबला हुआ, तो आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 मरतबा वक्फे से पिला सकते हैं, एक एक चम्मच करके। अगर बच्चा फीडर में पीना चाहे फीडर में पी सकता है, गिलास में पीना चाहे भी गिलास में पी सकता है, अगर आप चम्मच से पिलाना चाहते हैं तो चम्मच से भी पिला सकते हैं। इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत ही मौसर तरीका है, हमारा आजमाया हुआ है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।